कंसेप्चुअल क्लस्टरिंग करने के दो कॉमन मेथड हैं, जिनमें फर्स्ट वन जो मेथड है दैट इज कॉल्ड कॉब वेब। अब ये कॉब वेब इटसेल्फ है क्या हमारे पास, इसके लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन चीज है कि कॉब वेब जो है एक इंक्रीमेंटल मेथड है। अब इंक्रीमेंटल मेथड्स क्या होते हैं आप बता सकते हैं, व्हाट आर इंक्रीमेंटल मेथड्स? जी आप बताएं। इंक्रीमेंटल मेथड जो है कंप्यूटर साइंस का एक बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें यह कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम आप एक एल्गोरिथम को रन करो और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, फिर गिवन रिजल्ट की मदद से आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट चलाओ, नेक्स्ट लूप चलाओ और उस रिजल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, फिर तीसरी दफा उसमें अपडेट करें, चौथा करें, और एंड ऑफ द डे क्या होगा कि हर इंक्रीमेंट के साथ आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर से बेहतर की तरफ मूव करेंगे। तो जो कॉब वेब है उसमें भी आपके पास डेटा डिपेंडेंसी है कि जो गिवन डेटा है उसकी मदद से जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सेप्ट करें, फिर डेटा की मदद से उस मॉडल को इम्प्रूव करना शुरू करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास बेहतरीन रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाएंगे। इसके अलावा कॉब वेब में क्या है? इसके अलावा कॉब वेब में दो चीजें और हैं। नंबर सेकंड जो है, सेकंड चीज ये है कि इट्स इनपुट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स। इससे मुराद क्या है कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनकी एट्रीब्यूट्स प्लस वैल्यूज और फिर उन दोनों का पेयर। जैसे हम बताएंगे लेट्स से वन एज जो है वो 10, 11, 12, तो उसकी वैल्यूज क्या है और उनकी एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे एज जो है और उसकी वैल्यूज, जेंडर उसकी वैल्यूज, तो ये एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में चलेगा का। और फाइनली हमारे पास क्या होगा, ये जो एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं, ये जो कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन है, ये सब इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज मौजूद होगी। अब होगा क्या कि जो हमारे पास कॉब वेब के अंदर ट्री है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग ट्री। अब इसमें हमारे पास है क्या कि जब भी हम ट्री की बात करते हैं तो लाहमाला ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, जिसमें हमारे पास एक रूट नोड होती है और फिर नीचे नोड्स होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ट्री में पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब, क्योंकि ये नोड बेस्ड कंसेप्ट है तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये नोड्स क्या बता रही हैं। तो इसका पहली लाइन में हमने जवाब ये दिया है कि जो नोड्स हैं वो एक कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्योंकि कॉब वेब की, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि जो कॉब वेब है ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, जिसके अंदर हमारे पास 1-0 की फॉर्म की बजाय डेटा की जो वैल्यूज हैं वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होती हैं। तो होगा क्या, जो नोड्स के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है दैट वुड बी प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट कंसेप्ट। और फिर क्या होगा, वो प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो जो नोड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उन सबको वो डिफाइन कर रही होगी। फाइनली हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो चीजें बताएगी, एक तो के कंसेप्ट क्या है और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज क्या है हमारे पास। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का कंसेप्ट कहां से आया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ये बताएंगी कि बेस्ड ऑन, अगर लेट से मेरे पास ये एज ग्रुप आ गया तो देन व्हाट कैन आई डू फ्रॉम दिस एज ग्रुप, यानी लेट से अगर मेरे पास एज ग्रुप है 10, 11, 12, तो इसकी बेस पे मैं आगे किस तरफ को मूव करूंगा और ये हमें ट्री को ट्रेवर्स करने में हेल्पफुल होगी, ये जो थर्ड हमारे पास लाइन है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यूज होता है कॉब वेब के अंदर, विच इज कॉल्ड कैटेगोरी यूनिट। अब ये कैटेगरी यूनिट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली कैटेगरी यूनिट जो है ये यूज किया जाता है इन कॉब वेब फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्री। अब इससे मुराद क्या है कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन ट्री क्या है, अगेन हम चाहते क्या है कि हम एक ट्री बनाना चाहते हैं, लेट्स से जो इस तरह का है हमारे पास, लेट्स से इस तरह का, तो अब हमने कैसे डिसाइन करना है कि किस जगह पे हमारे पास नोड्स होनी चाहिए, उन नोड्स के अंडर क्या चीज होनी चाहिए और किस तरह मूव ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये वाला एक फार्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो ये बताता है बेसिकली कि हमारे पास कौन कौन से कैटेगरी यूनिट्स बन रहे हैं फॉर डेवलपिंग दिस ट्री। और ये ट्री जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नोड्स है और ये कर क्या रहा है, हमारे पास C1 से लेकर CN तक की पार्टीशंस को जनरेट कर रहा है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन का ट्री एग्जांपल यहाँ पे सिंपल बताई है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो कॉब वेब है उसके अंदर डिटेल हमारे पास कैसे होती है। अच्छा, अब है क्या, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ली कि लेट से जो फर्स्ट नोड है दैट इज ऑफ एनिमल और इसकी हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अपनी बताई, क्योंकि ये हमारी बेस क्लास है, जो स्टार्टिंग क्लास है या रूट नोड है, हम ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C0 जो है एनिमल क्लास दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि जो ये हमारी क्लास थी एनिमल की इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये जरूर अकर होगी। फिर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली है कि इस क्लास के ऊपर, एनिमल के ऊपर स्केल्स की जो प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो है 0.25, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके कितने स्केल्स हो सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं 0.25। फिर हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं कि इस एनिमल क्लास को हम 3 डिफरेंट क्लासेस में तोड़ रहे हैं, वो क्लासेस हैं फिश, एम्फीबियन और मैमल्स।
अब फिश को हमने लिया PC1, PC1 से मुराद ये क्या है, क्लास 1, और उसकी प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं 0.25, और फिश के लिहाज से हमने स्केल्स की प्रोबेबिलिटी ये दी है कि वो 1 है। इससे मुराद क्या है कि फिश जो है वो डिफरेंट साइजेस के अंदर हमारे पास मौजूद होंगी, उनके स्केल्स डिफरेंट होंगे, उनको मेजर करने के पैमाने, उनके साइज वगैरह के पैमाने वो डिफरेंट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर हमारे पास है एम्फीबियन, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली C2 से। फाइनली हम आ जाते हैं मैमल पे, हमने तीसरा जो क्लास लिया एनिमल की वो मैमल और बर्ड है, इसलिए हमने PC3 जो लिखा वो 0.5 है, कहीं जरूर अकर होगी। और फिर हमने क्या कहा कि C3 अगर हमें पता है कि यार ये एक चीज जो है वो मैमल है या बर्ड है, तो हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उस पे हेयर होंगे यानी बाल मौजूद होंगे कि नहीं, उसको हम कह रहे हैं 0.5। अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, मैमल और बर्ड को हमने एक क्लास ये ली, सेकेंड क्लास हमने ले ली ये वाली, यानी कि मैमल और बर्ड जो कंबाइंड क्लास थी उसको हमने दो फर्दर क्लासेस में तोड़ा, फर्स्ट वन इज मैमल एंड द अदर वन इज बर्ड। अब मैमल में हम PC4 ले रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टी C0.5 और C5 लिया, बर्ड में उसकी प्रॉपर्टी 0.5। अब मैमल में जो इम्पोर्टेंट है दैट और हेयर, उनको हम कहते हैं जी मैमल जितने भी होंगे उन सब में हमारे पास बाल जरूर होंगे। ऑन द अदर हैंड जब हम बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड में हम बात करते हैं फीदर्स की, फीदर्स से मुराद क्या है हमारे जिनको हम पर कहते हैं कि जो हमारे पास परिंदे हैं उन सबके पर जरूर होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं, तो इसकी प्रॉबर्टी हम ले रहे हैं 1। तो आप देख सकते हैं कि कॉब वेब को यूज करते हुए एक हम बड़ा अच्छा जेनेरिक करेक्टराइजेशन बेस्ड ट्री बना सकते हैं जिसमें हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े आला तरीके से डिफाइन हो रहे हैं। इसी को अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो हो क्या रहा है कि हमारे पास एनिमल की क्लास है जिसको हम फर्दर डिवाइड करते जा रहे हैं, फर्स्ट हमने फिश एम्फीबियन मैमल्स में कन्वर्ट किया, फिर मैमल्स को अगेन हमने मैमल में और बर्ड में कन्वर्ट किया, और फिर अच्छा हो क्या रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो इसके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे हमने क्या कहा कि जो फिश है उनके स्केल जरूर होंगे, फिर एम्फीमियन पे मॉइस्ट का हमने स्केल कहा था, और इसी तरह मैमल्स और बर्ड पे जब हमने बात की तो मैमल्स में हमने कहा जी बाल जरूर होंगे और परिंदे जो है उनके ऊपर हमारे पास पर जरूर मौजूद होंगे। तो जैसे जैसे हम ट्री के नीचे आएंगे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 1 की तरफ मूव करेगा, और प्रोबेबिलिटी जितनी हाई होगी 1 के करीब होगी, इसका मतलब है कि वी आर डेडली श्योर कि ये चीज एग्जिस्ट करती है।